हो जब संत मिलन हो जा पुरुषों से मिलन हो और जीवा के ऊपर भगवान का नाम आने लगे तो क्या समझना चाहिए पता है। इतने इतने काशी में आए, इतने इतने संतों का दर्शन हुआ है, जीवा के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और संतों के प्रति प्रीति बढ़े, जीवा पर भगवान का नाम आए तो क्या समझना चाहिए। हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, वो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, ओ जब संत मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। कथा सुनने से और गंगा में नहाने से भगवान नहीं मिलता है भाई, है ये लक्षण है परमात्मा प्राप्ति के। अगर ये लक्षण हमारे अंदर हैं तो निश्चित मानिए परमात्मा की प्राप्ति होगी, ईश्वरीय दर्शन होगा, पर ये लक्षण होने चाहिए। खाली गंगा जी में डुबकी लगाने से भगवान मिल जाए ऐसा नहीं, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ओ ना क्रोध किसी पे आए, ना क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि 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 आए। पहला लक्षण है कि समाप्त हो जाए, भगवान से मिलना है, उससे प्रीति बढ़ानी है। दूसरा लक्षण कि केवल पत्थर की मूर्तियों में ही भगवान को न देखे, हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पा, हर इंसान के अंदर जिस दिन भगवान दिखने लग जाए तो समझ लेना कि हम भक्तों की श्रेणी में। सब में तो नजर हरिया, सब में तो नजर हरि आए,
बदले हारे अब हरि से मिलन होगा तब इतना समझ ले अब हरि से मिलन होगा बसता है। लोभी आदमी हर समय रुपया रुपया करता है कि नहीं, वैसे ही भक्त हमेशा राम 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 करता है। राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्का। भोजन में सबसे आगे और भजन में सबसे पीछे तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे आदमी तो 100 पाउंड दूरी रखो भाई। दर्शन को मन ललचाए कोई दूजा न
समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन।